मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के चलते बंद की गई यात्री बस सेवाओं को दोबारा से शुरू करने को लेकर परिवहन विभाग विचार कर रहा है, जिसको लेकर एमपी के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के चलते रोकी गई यात्री बस सेवाओं को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ चर्चा की गई है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के युवा संवाद कार्यक्रम पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यह संवाद पहले किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसी के साथ ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर भी पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास आरोप लगाने के सिवा कोई काम बचा नहीं है। मैंने आज ही सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी से जल्दी ऐसा हाल निकालूंगा जिससे बसें भी चलेंगी और ट्रांसपोर्टरों का जो भी टैक्स का मामला है जितना संभव होगा सरकार उसको सुलझाएगी और उनका टैक्स कम करेगी। देखिए, जो कांग्रेस आजकल फुर्सत में है, काम कुछ है नहीं और 15 महीनों की सरकार में बताने के लिए कुछ रहा नहीं, इसलिए न केवल आरोप प्रत्यारोप बल्कि कांग्रेस के हमारे मित्र अपनी भाषा शैली भी भूल गए हैं। ये संवाद अगर पहले होते रहते तो ये स्थिति निर्मित ना होती।